आज की वीडियो में आपको उम्दा कुदरती इंग्रेडिएंट्स के जरिए गर्दन दूध जैसी और सफेद करने का नायाब नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे की स्पेशलिटी ये है कि सिर्फ 20 मिनट में ही आपको वाज़े फर्क नजर आ जाएगा। वो तमाम अफराद जो चाहते हैं कि उनके चेहरे और गर्दन दोनों का कलर बहुत फेयर हो जाए, वो इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग नुस्खे के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और आपने दूध लेना है 1 खाने का चम्मच, अंडे की सफेदी 1 खाने का चम्मच, चने की दाल का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और नींबू का रस 1/2 चाय का चम्मच। तरीका इस्तेमाल ये है कि एक प्याली में इन तमाम अज्जा को डालकर मिक्स करें। चने की दाल को 2 घंटे के लिए 1/2 ग्लास पानी में भिगो दें। जब वो नरम हो जाए तो इसको पीस लें। अब इस पेस्ट में बाकी तमाम अज्जा डालकर एक फाइन पेस्ट बना लें और गर्दन पर आगे और पीछे की तरफ हल्के हाथों से इसका मसाज करें। 5 मिनट तक मसाज करें और इसके बाद 15 मिनट तक ये पेस्ट लगा रहने दें और इसके बाद सादा पानी से धो लें और 2 घंटे तक कोई साबुन या फेस वॉश यूज ना करें। दूध में प्रोटीन काफी ज्यादा पाया जाता है। ये कलर को गोरा करके स्किन को नरम मुलायम बनाता है। लीमू के रस में कुदरती ब्लीचिंग इफेक्ट मौजूद होता है, जो हमारी जिल्द की रंगत निखारने में मदद करता है। अंडा हमारी जिल्द की रिजाई जरूरियात को पूरा करता है। इसकी सफेदी में क्लिंजिंग क्वालिटीज पाई जाती है, जो हमारी स्किन पर से तमाम गर्दो गुबार को साफ करके इसे गोरी और चमकदार बनाती हैं। चने की दाल में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर्स काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। चने की दाल में स्किन को कुदरती तौर पर गोरा करने की सलाहियत पाई जाती है। हफ्ते में कम से कम 3 बार ये अमल करें, गर्दन बहुत गोरी और दिलकश हो जाएगी। काली और मैली गर्दन बहुत बुरी महसूस होती है, देखने वालों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आज आपको गर्दन गोरी और पुरकशिश बनाने का बेहतरीन टोटका बताया है, जिससे सिर्फ 20 मिनट में गर्दन सफेद हो जाएगी। गर्दन पर अगर लाइंस पड़ी हों, मैल कुचैल हो, सब साफ हो जाएगा। लंबी खूबसूरत और हसीन गर्दन पाने के लिए मेरा ये आज का टोटका जरूर आजमाएं और इस टोटके का कमाल देखें। सो गाइस, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच का बेहतरीन इलाज बताऊंगी, जिसे आप बहुत आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। गर्मियों में जिनकी ऑयली स्किन होती है वो पहले से ज्यादा ऑयली हो जाती है, बल्कि गर्मियों में जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन भी ऑयली होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा जो है वो नुस्खा आपको मैं दे रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस और 1 ही चाय का चम्मच शहद, यानी दोनों चीजें बराबर मिकदार में लेनी है। दोनों चीजों को मिक्स करके इस मास्क को आपने चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करना है। ये मसाज आपका 7 से 10 मिनट पर होना चाहिए। 7 से 10 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद अपना चेहरा सादा पानी से धो लें।
इस तरीके को आपने 7 दिन रेगुलर करना है और अगले हफ्ते से आपने इस हफ्ते में 2 बार करना है। तो इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों में ही आपकी जो है वो ऑयली स्किन का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। टिप हमारी खत्म हो गई है, आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तमाम जो ब्यूटी से रिलेटेड मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट बहुत सारी ईद की वजह से मेरे पास जमा हो चुके हैं और मैं इसीलिए तमाम का हल जो है वो थोड़ा तेजी के साथ रिजल्ट आपके लिए आए, मैं स्पेशली वीडियो बना रही ईद के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें मैं आपको ये कहूंगी कि अगर कोई मोहब्बत करने वाला शख्स, ख्वाह वो आपके माँ बाप हो, बहन भाई हो या कोई भी हो, तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि तुम अपनी अहमियत उसकी नजर में खो चुके हो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।